बरेली में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर की जन समस्याओं को लेकर प्रदेश सचिव साहिब सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। प्रदेश सचिव साहिब सिंह ने बताया कि शहर के अंदर लंबे समय से जगह जगह सड़कें खोद कर छोड़ दी गई हैं। मेन मार्केट व मेन चौराहों, चौकी चौराहों, पटेल चौक, किला क्षेत्र आदि क्षेत्रों में लंबे समय से विकास के नाम पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। एक जगह खुदाई कर छोड़ दी जाती है, जिस कारण पूरे शहर में जाम लग जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे और बीमार बुजुर्ग लोग प्रभावित हो रहे हैं। सड़कों की खुदाई से कई जगह पानी की लाइनें भी फटी हैं, जिस कारण कीचड़ होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरा नाम आसिफ अली है और मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया गया है। हमने जो जगह जगह शहर में गड्ढे हैं, रोडों की, सड़कों की हालत इतनी बुरी है और सरकार सिर्फ लूटे जा रही है, रोड टैक्स के नाम पे, किसी टैक्स के नाम पे बस लूटा जा रहा है। जनता को ना ही कोई राहत मिल रही है और ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी मिल पा रही है जिससे भाजपा सरकार सत्ता में आई, झूठे जुमले, झूठे वादे कर कर कि हम गड्ढे मुक्त कराएंगे भारत को, उत्तर प्रदेश को, आपके बरेली को, कुछ भी नहीं हुआ। ना यहाँ के मेयर काम कर रहे हैं, ना कैंट के विधायक काम कर रहे हैं, ना शहर के विधायक काम कर रहे हैं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं बरेली के अंदर। तो हमारी आज महामहिम राष्ट्रपति जी से को ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उनसे ये मांग है कि बरेली के अंदर जो सड़कें की हालत, सड़कों की ख़राब है, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कराया जाए और सही कराया जाए, जिससे कि रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। जनता की जान की बहुत कीमती है। आज सड़कों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।